साइबर सिटी में इन दिनों लोग सीवर जाम की समस्या से परेशान हैं। गुरुग्राम शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां समस्या ना हो, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। वार्ड नंबर 10 में इन दिनों लोग सीवर जाम की समस्या से खास परेशान हैं। दरअसल भीमगढ़ खेड़ी से गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए मुख्य रास्ता सीवर जाम के चलते गंदे पानी से भरा पड़ा है और लोग इस गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। इतना ही नहीं, यहां के लोगों और दुकानदारों ने निगम अधिकारियों से लेकर गुरुग्राम के MLA तक से गुहार लगाई है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के लोगों ने इस समस्या से निजात दिलवाने का बड़ा बीड़ा उठाया है। डॉक्टर सारिका वर्मा की माने तो गुरुग्राम नगर निगम सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला निगम है, बावजूद इसके नगर निगम के सभी वार्डों की हालत खस्ता है। निगम में भ्रष्टाचार का माहौल है। चाहते हैं कि बहुत कम से कम 3-4 साल हो गए हैं ये सीवरेज का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है और निगम इसके बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। कुछ हफ्ते पहले वो बोलते हैं, जस्ट बारिशों से कुछ हफ्ते पहले वो एक प्लान बनाते हैं कि अब सीवर साफ होंगे, ड्रेन साफ होंगे, एक खाना पूर्ति हो जाती है और बात खत्म हो जाती है। और पूरे शहर में कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। एक अभी एक लिमिट पार हो चुकी है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, त्रस्त हो गए हैं, लोगों की बाइक्स गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं, बच्चे अब डूबने लगे हैं। कल मैं पढ़ रही थी कि एक बंदा जहाँ पे खट्टर साहब जो हर बार यहाँ आते हैं और अपने इंटरव्यूज देके जाते हैं, मूलभूत सुविधाओं के लिए किया जाए और रिजल्ट ओरिएंटेड हो, ये ना हो कि 100 करोड़ तो और ये समस्या जड़ से खत्म। फिलहाल जनता त्रस्त है और अधिकारी मस्त हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।